श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने वारी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री एकादशी महारानी की जय। सभी वैष्णवों को प्रेम भरी राधे राधे। आज की हमारी यह वीडियो कामिका एकादशी के उपलक्ष्य में है। उससे पहले अगर आपने हमारे कृष्ण रस धारा पेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि समय समय पर होने वाली अपलोड वीडियोस का आप आनंद ले सकें। आइए हम कामिका एकादशी की पावन व्रत कथा को जानते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव शयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य महात्म्य को मैंने भरी प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनने की मेरी इच्छा है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है सो कृपा करके कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर हरि विष्णु माधव मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा काशी नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अश्व अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न मोती मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल चार भार चांदी और एक भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं, दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। तो ऐसी पावन कामिका एकादशी की व्रत कथा और उसकी पूजन विधि व महात्म्य है। आप सभी अपने हृदयस्थ प्रिया प्रीतम को नित प्रति लाड लड़ाते रहें। इसी आशा व कामना के साथ आप सभी के हृदय में विराजमान प्रिया प्रीतम को हमारा पुनः 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 दंडवत प्रणाम। आप सभी मंगल भाव लड़ाते रहें अपने लाडले लाल जी को,
इसी भावना के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।